हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू योर सब्जेक्ट। ऑलरेडी वी हैव डन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सिलेबस इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर का पहला पॉइंट जो है वो शुरू करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। चले आइए आगे बढ़ते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन इज अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट विद इन विच द बिजनेस हैज टू ऑपरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग अ बिजनेस यूनिट सक्सेसफुली एट एनी प्लेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड उस सी बिजनेस एंड एनवायरनमेंट दो अलग अलग वर्ड्स है। बिजनेस का मतलब है हम जो काम करते हैं, हमारा जो वर्क है, एक्टिविटी है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट सेल का हो, चाहे वो किसी को सर्विस देना हो। ठीक है, प्रोडक्ट सेल इज लाइक रिलायंस डी मार्ट, रिलायंस डिजिटल। ठीक है, और ये जो है ये प्रोडक्ट हमें सप्लाई करते हैं रिलायंस और डी मार्ट और बिग बाज़ार या बड़े बड़े मॉल्स है। ये उनका बिजनेस है कि प्रोडक्ट कहीं से तो वो बल्क में लेकर आएंगे और हमारे लिए सेल करेंगे। सेकेंडली, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमें एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट देते हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट तो ले लेते हैं हम लोग वो, और उसका पोजेशन, उसका जो हक है वो हमारे पास होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें दिखता नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हमें LIC लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं। सेकेंडली, हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग लेते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है हम प्रीमियम पे करके परचेज करते हैं, उनकी सर्विस लेते हैं, राइट। तो ये है हमारे लिए दो बिजनेस, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड है और एक सर्विस बेस्ड है। लेकिन इनका एनवायरनमेंट भी अलग है। एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एन एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर मैनमेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। जैसे मैनमेड इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लोग है। ठीक है, एक ग्रुप है 10 लोगों का, उसमें एक ऐसा कोई कैरेक्टर रहेंगे या ऐसा कोई इंसान रहेंगे जिनके एंट्री से ही माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है, बहुत मज़ा आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एंट्री होते ही पूरा माहौल डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, सो ये एनवायरनमेंट है। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो यूनिट बिजनेस जो रन करने वाली है वो सक्सेसफुली होनी चाहिए और उसका जो वर्क प्लेस है वो भी बहुत ही अच्छे जगह पे होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट विद इन विच द बिजनेस हैज़ टू ऑपरेट। एक एनवायरनमेंट को हमें समझना चाहिए। समझिए, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में आ रहे हो रेगुलरली, ऐसा समझिए। पहले दिन आपको ऐसा लगा कि कोई आ रहा है और आपको पहले दिन से ही झाड़ना चालू है, वेर इज योर ड्रेस कोड, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, जबकि आपको वो मिला नहीं है। ठीक है, रूल्स आर एट देयर प्लेस, लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली है तो क्या आपको उसके लिए डांट पड़ना ज़रूरी है? क्या आप, इज दैट वैलिड? नहीं, राइट। तो वो जो ऑपरेट हम करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही करते हैं। तो आपके दिमाग में एक आएगा कि यार कैसे लोग हैं, एक तो हमें कोई चीज़ दिया नहीं है और ऊपर से हमें डांट रहे बिना मतलब के, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बिजनेस ऑपरेट करता है वहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सेकेंडली, द एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस मतलब उत्साहित करना, यानी उकसाना एक अच्छे तरीके से। ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बड़े बड़े जो IT कंपनीज है, कॉरपोरेट कंपनीज हब है, जिनका एक सेटलमेंट होता है जहाँ पे, ठीक है, वो सेटलमेंट कहाँ पे होता है, किसी सिटी से एक तो दूर कहीं पे, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे एनवायरनमेंट सराउंडेड है। ठीक है, या फिर वो ऐसा जगह चुनेंगे जहाँ पे वो इको फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंटल एटमॉस्फियर वो दे सके जो पोल्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंट का हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो ये क्या क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, बी इट्स नेचर, लोकेशन, प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और द पर्सनल पॉलिसीज, राइट। धीरे धीरे एक एक बात करते हैं। जब हम लोग बात बोलते हैं कि एनवायरनमेंट फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो सबसे पहला वो नेचुरल फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे आते जाते
हाईवे है और हाईवे से आपको मेट्रो का आवाज़ आ रहा है, बाजू में रेलवेज है, फिर बीच में बस है, ट्रैफिक है, तो क्या आपको वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा? और आपकी बिल्डिंग साउंड प्रूफ नहीं है, नहीं ना, क्योंकि 8 से 9 घंटे आपको उस ऑफिस में बिताने हैं। सो नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट और बाहर का सराउंडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ ये लोकेशन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोकेशन में हमें ऑफिस नहीं देखना चाहिए या फिर हमारा बिजनेस नहीं सेट करना चाहिए जो बहुत ही दूर हो, जिनके लिए 2-3 घंटे का ट्रैवल हो। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है और आप सबर्ब्स में रहते हो, जैसे थाने के उस पार बहुत सारी कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, लेकिन कर्जत से भी लोग ट्रैवल करते हैं, टिटवाला से भी, खोपोली से भी लोग ट्रैवल करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुंबई के लोगों को हायर कर रहे हो खोपोली के लिए, ठीक है? सो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप सबर्ब्स में नहीं जा सकते, विलेजेस में नहीं जा सकते, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन जब आप कोई फैक्ट्रीज की बात करते हो तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, आप क्राउडेड प्लेस से हटकर कहीं दूर जाते हो। लेकिन ये जो लोकेशन है उसकी एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी का मतलब ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल नहीं है तो वो एनवायरनमेंट यानी वर्क कंडीशंस के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको 3-4 घंटे ट्रैवल करना है एंड देन फिर आपको अगेन आधा घंटा पौना घंटा आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रुकना है, फिर ट्रैवल करना है, राइट? तो लोकेशन फिजिबल हो, लोकेशन के यहाँ पर मैंडेटरी सर्विसेज भी, प्रोडक्ट जो है हमें अवेलेबल मिले, जैसे कि आपके ऑफिस में कैंटीन तो होगा, लेकिन शायद मुझे वो कैंटीन का खाना नहीं पसंद है, तो मैं ऑफिस के बाहर, ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर जाता हूँ, जो कोई स्नैक्स है, ठीक है, चटपटा कोई प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट है वो सेल करने वाला है। तो ऐसे लोकेशन में हमें चाहिए जो सब चीज़ हमें एक्सेसिबल हो या फिर प्रोवाइडेबल हो। देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, देखिए जब भी आप लोकेशन देखते हो और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है। मुंबई में स्पेशली जब आप देखोगे विरार साइड में आप जाओगे तो प्राइजेस आर वेरी लो एज कम्पेयर टू द प्राइजेस एट दादर, अंधेरी, राइट? तो जैसे जैसे आप सेंट्रल या वेस्टर्न मुंबई से आप सबअर्ब्स की तरफ जाने लगते हो तो प्राइस जो है बहुत ही गिरते जाता है और वो कम होते जाता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेस करना है, फॉर एग्जांपल जीन्स है, आप जीन्स परचेस करने जाओगे दादर में किसी भी शॉप में तो प्राइस इज लाइक 3,000, 4,000, 5,000, क्योंकि ब्रांड एंड ब्रांड क्वालिटी उस हिसाब से वो प्राइस है। लेकिन वही प्रोडक्ट, उसी तरीके का डिज़ाइन, उसी तरीके का लगभग कपड़ा, आप विरार में जाओ, आप कल्याण ठाणे में जाओ, ठीक है, तो प्राइस आपको डिफ्रेंशिएशन दिखेगा, ठीक है? ये तो हो गए आपके कपड़े के बारे में। आप भाजी की ले लो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ले लो, ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइस है, और इसीलिए आपका जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी लोकेशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो भी आपको लोकेशन के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट या ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो आप, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी सिस्टमैटिकली रन करे और वो इजीली एक्सेसिबल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उसकी कनेक्टिविटी हो अच्छे से, इस तरीके से आपको वो एनवायरनमेंट रखना है। और थर्ड एंड लास्ट, जो आपका पर्सनल पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं काम हो गया आपका एंड देन आप उनको फिर किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कलीग्स। अब ये जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स एनवायरनमेंट भी होते हैं, हमारी फैमिली एनवायरनमेंट भी होती है, राइट? तो ये एनवायरनमेंट इज नॉट स्ट्रिक्ट टू बिजनेस, ये तो सिर्फ हमें पढ़ने के लिए नाम दिया है, बट एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे घर में भी ऐसा होता है, कोई चाचा आ गए, कोई अंकल आ गए, या फिर बाजू वाले नेबर आ गए, ठीक है, तो ऐसा एक इंसान रहता है कि उनके आने से एनवायरनमेंट ऐसा डाउन हो जाता है, नेगेटिव हो जाती है, और कुछ लोगों के आने से एनवायरनमेंट में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट में बी डिफाइंड एज द टोटल सराउंडिंग विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे जब पर्टिकुलरली बिजनेस की बात करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये टोटल सराउंडिंग जो है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ पे ये एनवायरनमेंट क्या करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे असर दिखाता है, हमारे बिजनेस के फंक्शन में वो हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो टोटल सराउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली नहीं चलेगी। इसलिए टोटल सराउंडिंग्स बोला है, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन के गेट में आप खड़े रहते हो, वहां से लेके ऑर्गेनाइजेशन के हर एक कोने को हम सराउंडिंग्स में कैलकुलेट करेंगे। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर सच एज इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स एक्सेट्रा विच आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर एंड अफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस ऑफ अ फर्म। देखिए, अब दो तरीके के एनवायरनमेंट है, एक तो है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को सबसे पहले जानेंगे क्योंकि छोटा कंसेप्ट है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ही कॉलेज ले लीजिए। जैसे हम हमारे कॉलेज में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो वॉचमैन से लेकर प्रिंसिपल कैबिन तक हमारा एक एनवायरनमेंट है, वो हमारे कॉलेज का एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। कॉलेज के अंदर जो भी होता है वो उस कॉलेज के अंदर ही इफेक्ट दिखता है, उसका इफेक्ट बाहर नहीं जाता। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो गेट के बाहर वाली चीज़ है। समझिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जाम्पल ले लेते हैं, बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा, क्या आप बारिश को रुका सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। लेकिन कॉलेज के अंदर अगर कोई लीकेज है, कोई बिल्डिंग में कोई दीवार या फिर बेंचेस का इश्यूज है, या फिर फैन ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो फिक्स कर सकते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारे हाथ में है, वो कैसे काम करना है, उसको कैसे मोल्ड करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोलेबल है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बारिश को कोई नहीं रुका सकता भगवान और नेचर के अलावा, ठीक है। सो नेचर एक ऐसा चीज़ है जो अनकंट्रोलेबल है, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, ठीक है, जिसमें बोला गया है इकोनॉमिक फैक्टर, ये आता है एक्सटर्नल फैक्टर में। तो इकोनॉमिक फैक्टर यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है और हमारे जो जीडीपी है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम एज एन इंडिविजुअल या फिर एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी है और उसमें इतने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, तो ये लोग नहीं कंट्रोल कर सकते एज एन इंडिविजुअल। देन सोशल फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, आपके कॉलेज के बाहर कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो सोशल फैक्टर है। क्या आप वो एक्सीडेंट को रोक सकते थे? नहीं, राइट, तो वो सोशल फैक्टर में जाता है। देन पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में मोदी जी ने कुछ कह दिया और दूसरे किसी पार्टी को गुस्सा आ गया और उन्होंने रोड पे धरना कर दिया, वो पॉलिटिकल या फिर लीगल फैक्टर है, जहाँ पे लोगों ने एक किसी इंडिविजुअल के नाम पे रिएक्शन देना चालू किया। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? अगर आपकी आइडेंटिटी है, आपका पावर है, तो कर सकते हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ जनरल सिटीजन और सिविलियन, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। देन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जो हमारा एनवायरनमेंट है, डेमोग्राफिक है, हमारा ज्योग्राफी है बेसिकली। अगर समझिए, आप रास्ते से चल रहे हो, ऑपोजिट वाले रोड में भूकंप आ गया और पूरी रोड धस गई अंदर और पूरा बिल्डिंग जो है 3-4 लाइन से गिर गया, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, बिकॉज ये ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिकल फैक्टर है। देन टेक्निकल फैक्टर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर सिस्टम है, किसी बाहर वाले ने हैक कर दिया, दैट्स नॉट कंट्रोलेबल। हाँ, आपने सिस्टम को साउंड प्रूफ या सिक्योर प्रूफ नहीं किया होगा अच्छे तरीके से, लूप होल्स रहे रहेंगे, कुछ गलतियाँ हुई रहेंगी, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर आता है। लेकिन आपने स्ट्रांगली कर दिया, आपने बहुत ही अच्छा किया और आपने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखा कि बाहर वाला जो है वो नहीं हैक कर सकता, तो सोचने वाली बात है, राइट। सो टेक्निकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्निकल फैक्टर्स में भी ना, जो भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं, बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते करते हैं, वो बाहर से कहीं से हम मंगाते हैं, बाहर से कहीं से हम लेकर आते हैं, हमारे खुद के मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो कंप्यूटर अगर ख़राब हुए है, तो हमें किसको बोलना चाहिए? जो कंपनी से हमने लिया है। अगेन, दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर। अब वो अपने टाइम के हिसाब से आएंगे, उनके पास कितने कंप्लेंट्स है, कितने
प्रॉब्लम्स है, कितने कस्टमर्स के लिस्ट है जो वेटिंग में है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो अगेन ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स में हमारे ओनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो एक दूसरे के साथ रिलेशंस है एज अ टीम, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज में अगर कोई टीचर नहीं सिखा रहा है आपको ठीक से, तो आप अपने सीनियर्स को बोलते हो, सीनियर कौन होंगे आपके, क्लास टीचर। देखिए एक हायरार्की है, सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब्जेक्ट टीचर को मैसेज करेंगे, सब्जेक्ट टीचर को पूछेंगे सर ये नहीं समझा है, सर लेक्चर्स नहीं आ रहे, आप बिजी हो क्या, क्या बात है, ठीक है। देन उसके ऊपर हमारे टीचर्स के ऊपर, सब्जेक्ट टीचर के ऊपर होते हैं आपके क्लास टीचर जो आपका अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। वो क्लास टीचर को आप बोलोगे अरे मैम प्रेम सर का लेक्चर नहीं आ रहा है, सर बिजी है क्या कुछ और कॉलेज के काम से, तो बिजी रहेंगे तो फिर उनको बता दीजिए ना कि अगर हो सके तो फ्री होने के बाद हमें लेक्चर प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर उनके बाद आते हैं आपके कोऑर्डिनेटर्स, अगर आपको पता है तो वो कोऑर्डिनेटर्स को आप बोलोगे कि हमने हमारे क्लास टीचर को बोला 4 दिन हो गया लेकिन मैम ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो, रिप्लाई आता है तो वो प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं कहा, फिर आप जाते हो सीधे प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल अगर आपके कॉलेज में है। तो ये है सिस्टम, ठीक है, ये एनवायरनमेंट का एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग इन सारे लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो नहीं, ठीक है। तो ये कंट्रोलेबल चीज़ें हैं इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर जो है अनकंट्रोलेबल चीज़ें। फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी समराइज एज फॉलोज। नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम ऑफ टोटल ऑल फैक्टर एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म एंड दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फंक्शनिंग। तो सबसे पहले कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम ऑफ टोटल ऑल फैक्टर है, सारे फैक्टर्स का एक सम है, यानी एडिशन है, जो एक्सटर्नल भी है और हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उस वजह से वो फंक्शनिंग चेंज हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूअल फैक्टर जो है आज के तारीख में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तौर पे हमारे पास आया है वो है कोविड-19। जब कोविड-19 नहीं था तो किसी को भी वर्क फ्रॉम होम नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हम लोग रखते थे, मास्क नहीं पहनते थे, हैंड वॉश नहीं कर सकते थे, या नहीं करते थे, बेसिकली कर तो सकते थे बट नहीं करते हम लोग, क्यों, तभी ऐसा कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही पैंडमिक कोविड-19 आ गया, सबको वर्क फ्रॉम होम दिया है, इवन टीचिंग भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है। पहले लोग कहते थे क्या रखा है वो मोबाइल में, वहाँ से थोड़ी सीखा जाता है, लेकिन आज उसी पढ़ाई के लिए हम मोबाइल में ही बैठे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट कवर्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस लाइक कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशंस। ये जो फैक्टर्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल कंडीशंस, ये भी हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। देन इट ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिजनेस दैट इज ओनर, एम्प्लॉय एंड द रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही मायने रखते हैं, और वो उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रिलीजन टू रिलीजन एंड कंट्री टू कंट्री, पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया डिफर फ्रॉम दोज इन पाकिस्तान। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हर एक जगह में अलग अलग होगा। समझिए एयरटेल कंपनी है, उनका जो बैक ऑफिस है, समझिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक है कल्याण में और एक है ऐरोली में। अब कल्याण का एनवायरनमेंट जो है ना वो थोड़ा टेंस होते रहता है, टेंस इन द सेंस थोड़ा सिचुएशन वर्स है, वहाँ पे आप फ्रीली घूम नहीं सकते, आप खाने के लिए भी आपको 10 मिनट ही मिलेगा, उसके बाद बैक टू डेस्क आप फ्रीली रोम नहीं कर सकते, ऑफिस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वही ऐरोली में जो है आप कभी भी किसी भी तरीके से काम करो, लेकिन आप पूरा जो टास्क है वो करके निकल जाओ। अब ये क्यों है, बिकॉज कल्याण में शायद वो क्वालिटी का सर्विस हम लोग नहीं दे रहे, ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मे बी लैक ऑफ फंक्शनिंग, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा भी हो सकता है, मे बी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
उसको डेवलप कराने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए आपको एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क में लेकर जाते हैं। लेकिन वही आप ऐरोली में काम करो तो आपके पहले दिन में आप ट्रेनिंग मिल जाता है, पूरा महीना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वहाँ पे भी अगर परफॉर्म नहीं किया आपने तो आपको वो ट्रेनिंग पीरियड में ही रखते हैं एंड देन जो क्वालिफाई करते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कल्याण में वो सिचुएशन नहीं है, नया ऑर्गेनाइजेशन चालू है, सभी को काम देना है, कितना आप ट्रेनिंग में उनको टाइम स्पेंड करोगे, राइट? तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? तो ये जो एनवायरनमेंट है हर एक जगह में अलग अलग होता है, राइट? अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है पॉलिटिकल कंडीशंस का। इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट, ठीक है? हमारे लोग यहाँ पे पॉलिटिकली थोड़ा त्रस्त है, थोड़ा त्रासी है, लेकिन क्या हमें डर डर के जीने का आदत है या फिर हम डर डर के जीते हैं? नहीं, वी हैव आर ओन रूटीन लाइफ एंड हम हमारे हिसाब से जीते हैं। लेकिन वही जब आप पाकिस्तान की बात करोगे तो वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है? वहाँ के कंडीशंस हमारे कंडीशन से अलग है, राइट? देन टेस्ट एंड वैल्यूज चेरिश बाई पीपल इंडिया एंड चाइना वेरी कंसिडरेबली, ठीक है? तो जो टेस्ट है और जो वैल्यूज़ है हमारे कल्चर्स के, वो चेरिश बाई पीपल इन इंडिया एंड चाइना, मतलब उसको जो हम एडोर करते हैं, हम उनको जो बढ़ावा देते हैं, वो इंडिया में अलग है और चाइना में अलग है। हमारे कल्चर्स, हमारे वैल्यूज जो है वो बहुत अलग है, ठीक है? चाइना जो कंट्री है वहाँ पे लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते होंगे, लेकिन इंडिया में हमें तो स्पाइसी चाहिए, मिसल पाव में स्पाइसी चाहिए, ठीक है? और पाव भाजी स्पाइसी चाहिए हमें, कांदा भाजी स्पाइसी चाहिए हमें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफर करती है। तो कोई भी एनवायरनमेंट हो, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो या फैमिली एनवायरनमेंट हो। फैमिली एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ, सबके घर में फादर मदर होता है, कहीं के घर में एक होता है, कहीं के घर में सिर्फ मदर होती है, कहीं के घर में सिर्फ फादर होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल पेरेंट होते हैं। किसी के घर में फादर मदर ब्रदर सिस्टर, तो ऐसे सेट ऑफ लोगों को आप देखोगे तो आपके घर का सिचुएशन अलग है, उनके घर का सिचुएशन अलग है, एंड दैट अकाउंट्स टू एन एनवायरनमेंट। सो माइक्रो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक्सटर्नल, क्या क्या फैक्टर्स है? वही फैक्टर्स है जो हमने पढ़ा था, बट थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में है, और ये डायग्रामेटिक फॉर्म जो है आपको आपके बुक में लिखना है विद डायग्राम। सो बिजनेस फैक्टर्स में पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ गए, लीगल फैक्टर्स आ गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स आ गए। सोशल फैक्टर्स क्या कहते हैं? कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव्स, पावर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक्सेट्रा, ये है हमारे सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। द सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यूज दैट अ सोसाइटी चेरिश हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। ये जो सोशल स्ट्रक्चर है और सोशल फैक्टर्स है वो कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है। देखिए, फॉरेन कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, वो इंडिया में सेटल हुए और उस वजह से वो, देखिए, यूएस कंपनीज जो है वो उनके कंट्री में भी ऑपरेशंस चलाती है, बिजनेस चलाती है, और हमारे कंट्रीज यानी इंडिया में भी काम करती है। अब इंडिया में जब काम करना है यूएस कंपनी के साथ, तो आपको नाइट ड्यूटी में जाना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डे होता है और हमारे लिए नाइट होता है, पूरा ऑपोजिट है हम लोग, ठीक है? तो ये सोशल स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, या फिर ज़्यादा क्या बोलते हैं, हमें नेगेटिवली हम लोग नहीं ले सकते, जो पॉजिटिवली लेता है, तो हम लोग कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, ठीक है? देखिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन देर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर न्यू क्लोथ्स, स्वीट्स, फ्रूट्स, फ्लावर एक्सेट्रा। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग ही है। तो सीजन्स जब आते हैं उस हिसाब से हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, बाइंग बिहेवियर है, वो अलग अलग चेंज होते रहता है। जब दिवाली आ जाती है या फिर कोई फेस्टिवल हो जाता है, तो हम नए कपड़े लेते हैं, फ्रूट्स परचेस करते हैं, फ्लावर्स लेते हैं भगवान के लिए, तोरण वगैरह बांधने के लिए। सो सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर वेरी डिफरेंट, एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। ड्यू टू इंक्रीज इन लिटरेसी रेट द कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। ड्यू टू चेंज इन फैमिली कंपोजिशन मोर न्यूक्लियर फैमिलीज विद सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट्स हैव केम अप। The consumption patterns, the dressing and living style of people belonging to different social structures and culture vary significantly. तो इन शॉर्ट मैं एक बोलूँगा, देखिए, लोगों का पढ़ाई ज़्यादा होने के कारण, लोगों के पास नॉलेज आने के कारण क्या हुआ है, लोगों को अब पता चला है कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमें चाहिए, इसलिए हम क्वालिटी लोगों को हायर करते हैं और वो क्वालिटी सर्विस हम लेते हैं। देन सेकेंडली, चेंज इन फैमिली कॉम्पोजिशन। पहले तो
हर एक फैमिली में 15-20 लोग रहते थे। धीरे 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 जैसे ही हमें नॉलेज आते गया, हमने क्या बोला, हम दो हमारा दो, ठीक है। अब वो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया, अब हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम दो हमारे लोग हमारे एक, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन जो है फैमिली का वो चेंज हो गया और न्यूक्लियर फैमिली चालू हो गया। न्यूक्लियर फैमिली मतलब पहले फादर मदर और दो बच्चे रहते थे, उनमें से एक का शादी हो गया, वो घर से बाहर हो गया, ठीक है, अलग उसने अपना फैमिली सेट किया, और दूसरा जो बच्चा है वो शादी करके कहीं और चले गया, लड़की है इसके लिए, राइट। मतलब एक पहले फैमिली थे, अब एक फैमिली का तीन फैमिली हो गया और तीन अलग अलग घर हो गए, ये है न्यूक्लियर फैमिली। देन कंजम्पशन पैटर्न जो है लोगों का वो भी बहुत ही चेंज हो गया है। कंजम्पशन कहीं भी आ सकता है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल में हो, फैशन सेंस में हो, ठीक है। कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्लूडिंग टू ईटिंग समथिंग, ठीक है। बेसिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड या फिर वे ऑफ लाइफ है, वो बहुत चेंज हो गया, और ये आता है सोशल एनवायरनमेंट में। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज और वो कैसे गवर्नमेंट चलाता है, वो हमने ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये जो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और वो भी कुछ हद तक हमें इम्पैक्ट करता है, हमें इन द सेंस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को। सो इट सेंड्स अ सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस टू वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड इन्वेस्टर्स। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन। देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट मिलता है, एक आइडियोलॉजी रहती है, एक मेंटालिटी रहती है, एक कंसेप्ट होता है कि हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग में आएंगे, रूल करेंगे, तो हम एक एक्स वाई जेड तरीके का पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है। आप जब मोदी जी रूलिंग पार्टी में हैं, तो उनका जो अलग तरीका है देश को चलाने का, उस वजह से शायद नए लोगों को मौका मिला होगा कि उनको काम करना है उनके साथ, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत सारे नए नए ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने सपोर्ट भी किया है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कोका कोला अ कोल्ड ड्रिंक वाइडली यूज इवन नाउ हैड टू वाइंड अप ऑपरेशन इन इंडिया इन लेट 70 हैड टू वाइंड अप ऑपरेशन इन इंडिया इन लेट 70 70s में, जब 70s खत्म हो रहे हैं आ रहा था, ठीक है, तभी कोको कोला को अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करने के लिए कहा गया, या फिर उनका एक ऐसा पोजीशन आ गया कि वो बंद करना पड़ा उनको वो टाइम पर। क्यों? बिकॉज वहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस टाइम का था, वो इनके लिए सूटेबल नहीं था, और हम लोग क्या करते थे, हमारा जो नेचुरल जूस है वही कंज्यूम करते थे, तो ये कोका कोला को ज़्यादा डिमांड नहीं मिला और इसलिए वो बंद होने के लाइन में आ गया। द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ भी पॉलिटिकल हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के ऑपरेशंस को, और लेबर यूनियंस बनते हैं और वो भी बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉकआउट एंड लेबर डिस्प्यूट भी हो जाता है बिकॉज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है। कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट जो ट्रेड यूनियंस का है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे है, और ये ट्रेड यूनियंस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली सक्सेस ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है, प्लस सक्सेस ऑफ देयर यूनियन एम्प्लॉय वर्कर्स या फिर यूनियन मेंबर्स के लिए। लीगल एनवायरनमेंट, दिस रेफर्स टू सेट ऑफ लॉज रेगुलेशन विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू ओबे एंड वर्क विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ। The important legislation that concerns business enterprises include Companies Act 1956, Foreign Exchange Management Act 999, 1999, the Factories Act 1948, Industrial Dispute Act 1972. अगर देखिए, लीगल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशंस को। समझिए, कोई भी बिजनेस रन करते हो और गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको पर्टिकुलर काम नहीं करना है जो देश के हित में नहीं है, तो नहीं करना है आपको। अगर आप बाइंग एंड सेलिंग में हो, तो आप गवर्नमेंट कहती है कि आप पहले 15 दिन का क्रेडिट देते थे, आप उनको 45 डेज का क्रेडिट दो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है, और लोगों को ये क्रेडिट मिलने से बिजनेस ज़्यादा होने के चांसेस है और अपने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ने के भी चांसेस है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज एक्ट में चेंजेस किए कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीज हो, इंडिया में काम करना है, तो इंडिया को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो वो देनी पड़ेगी उनको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और लीगल एनवायरनमेंट बहुत मैटर या फैक्टर जो है बहुत ही इम्पैक्टफुल है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है और वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आप पढ़ लीजिए पॉज करके बाद में आराम से, क्योंकि ये ऑलरेडी है और उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये दिया है। तो इतने सारे जो लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं, इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो बहुत मैंडेटरी है। सो प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी बहुत देखना पड़ता है। तो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशियल डिसीजन जो है, वो सारी चीज़ें हमें लीगल एनवायरनमेंट में बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत मैटर करते हैं। अगर जुडिशरी हैज़ टू इंश्योर दैट लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड एक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज में है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, ये भी ध्यान देना पड़ता है। टेक्नोलॉजीज में हमें ज़्यादा सोचने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो मेथड्स हैं, उनके जो टेक्निक्स हैं, उनके जो अप्रोच है, वो अडॉप्ट करने चाहिए हमें प्रोडक्शंस के लिए। प्रोडक्शन क्या करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वेरिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, अगर आप इंडिया के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो इंडियन टेक्नोलॉजी को इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बनाना है, US के लिए बना रहे हो तो उनके हिसाब से बनाना है। हम यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, हम मशीन वर्क बहुत कम यूज़ करते हैं जितना ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन US में मशीन वर्क ज़्यादा होता है, मैन वर्क या फिर मैन पावर जो है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन USA एंड मेनी अदर कंट्रीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर डिजाइन फॉर 110 वोल्ट्स, बट इन दीज आर मेड फॉर इंडिया, दे हैव टू बी ऑफ 220 वोल्ट। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो US में 110 वोल्ट का होता है, कम पावर का होता है, इंडिया में जब वो बनाते हैं तो 220 वोल्ट का होता है, बिकॉज इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में साइंटिफिक रिसर्च जो है, इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन जो करती है प्रोडक्ट या फिर सर्विस में, वो रेगुलर एक्टिविटी है और वो हमें ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो नो फर्म कैन अफोर्ड टू परसिस्ट विद द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आप बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाओगे क्या, आपका जो प्रोडक्शन है वो इफेक्टिवली होगा क्या, सिंपल है, नहीं होगा। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन इंडिया में अपडेट नहीं होगा, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट नहीं होगा, और आपको कोई आपका फ्रेंड जो US में जाके काम कर रहा है वो आपको बोलता है कि यार ये फ़ोन में नया अपडेट आया, आप लोगों को आया क्या, देन यू से अरे नहीं आया मुझे, दैट मैटर्स। वो एक एनवायरनमेंट है, US में दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे। फ़ोन सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, सिर्फ लोकेशन अलग अलग है, इस वजह से नहीं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सभी को अपडेटेड रहना ज़रूरी है और वो अपडेट सभी को मिलना ज़रूरी है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अपडेशन या अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप देखते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का, ये आता है। ऑल दिस फैक्टर्स हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ये साइज है, डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, इनका इम्पैक्ट हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन में होता है। अगर आप कल्याण में कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा देकर भेजना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो कंजम्पशन है वो थोड़ा हाई लेवल का कंजम्पशन है, और हमारे जो यहाँ पे वेंडर है, किराना वाले हैं, शॉप्स है, वहाँ से हम लोग 50 to 70% परचेज करते हैं। लेकिन आप बांद्रा साइड में जाओ तो वहाँ पे मॉल्स में बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे उनको देना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे किराना शॉप बहुत कम है। सो एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज बाउंड टू हैव मोर डिमांड फॉर बेबी प्रोडक्ट। अगर एक कोई कंट्री है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा है तो डिमांड उनका बेबी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा होगा, और एक ऐसा कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन का है तो वहाँ पे डिमांड फॉर प्रोडक्ट रिलेटेड टू देम, सीनियर सिटीजन को जो प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से वो देना मैंडेटरी है, और वो आपके एनवायरनमेंट में आप अडॉप्ट कर लेते हो। डिमांड ऑफ पीपल फ्रॉम सिटीज एंड रूरल एरिया इज डिफरेंट। सिटीज़ के लोग और रूरल विलेज के लोग बहुत ही अलग है। हम लोग मोबाइल एंड्रॉयड और बड़े बड़े स्क्रीन का डिमांड करते हैं, रूरल वाले बच्चे कहते हैं कि हमको कीपैड वाला फ़ोन दे दो तो भी चलेगा, ठीक है।
large population in country means the easy availability of labor force and skilled labor in certain areas motivates the firm to set up their units in such area, right? ज़्यादा पॉपुलेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्किल्ड लेबर हमारे पास शायद ज़्यादा होने के चांसेस है, और ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं फर्म को अपने नए नए यूनिट्स को सेटअप करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेस यूनिट फ्रॉम अमेरिका, कैनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके आर कमिंग टू इंडिया ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर. अब ये सारे जो कंट्रीज़ के नाम हमने यहाँ पर लिए हैं, लिखे हैं, पढ़े हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने कंपनीज इंडिया में चालू किए. क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, इसीलिए उनके पास भी है लेकिन हमारे पास दुगना है, ठीक है. अ फर्म दैट कीप्स अ वॉच ऑन द चेंजेस ऑन डेमोग्राफिक फ्रंट एंड रीड्स देम एक्यूरेटली विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज नॉकिंग एट इट्स डोरस्टेप. जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट पे नज़र रखा है वो अपॉर्चुनिटीज को नॉक करता है और उनका जो डेवलपमेंट है उनको बहुत ही ज़्यादा मिलता है. नेचुरल एनवायरनमेंट में हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, लोकेशन एस्पेक्ट, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं. बिजनेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट से भी बिजनेस को बहुत ही फायदा मिलता है. शुगर फैक्ट्रीज आर सेट अप ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर शुगर केन कैन बी ग्रोन. देखिए, शुगर फैक्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे वो सूटेबल है ना, राइट? तो वो सूटेबल जगह में सूटेबल चीज़ ही हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ से ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर टू एस्टैब्लिश मैनुफैक्चरिंग यूनिट नियर द सोर्स ऑफ इनपुट्स. जहाँ पे भी इनपुट है, जहाँ पे उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, वहीं पे बिजनेस चालू करने के लिए एक सजेशन है या फिर वो एक गाइडलाइन है कि वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है. क्योंकि जहाँ से आपको रॉ मटेरियल आ रहा है वहीं पर आप प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन हाउस या फिर मैनुफैक्चरिंग हाउस चालू करते हो, तो आपका एक तो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, प्लस आपको वो रॉ मटेरियल जो है फ्रेश फ्रेश मिल जाता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पुट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिजनेस सेक्टर. ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि आप जितना नेचर को कंज्यूम करते हो उतना नेचर को आप रिटर्न भी देना ज़रूरी है. अगर आप फार्मिंग करते हो तो जिस जगह में आप फार्मिंग करते हो उसको ज़िंदा रखना, उसको कल्टीवेशन के लिए ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और उस हिसाब से उसका जो रिक्वायर्ड मदद है वो हमें देना ज़रूरी है, ठीक है. इसलिए क्या होता है, नॉर्मली कल्टीवेशन करने के बाद कुछ महीने उसको ऐसे ही खाली रखा जाता है. क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी हमने यूज़ किया है, तो एनर्जी रिस्टोर करने के लिए हम उसे एक टाइम पीरियड देते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए होता है, और ये मेन फैक्टर्स है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट देता है. जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, पर कैपिटल इनकम हो गया, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ में आती है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इकोनॉमिक कंडीशंस ये सारी चीज़ें इंक्लूड होता है. अगर इनमें कुछ चेंज होता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज हुआ और उसका इफेक्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में भी होता है. इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गए, फिस्कल पॉलिसीज हो गए, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एग्जिम पॉलिसीज, इनमें अगर कोई चेंजेस आता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ध्यान देता है और वो हमें ये बताते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं, और उस हिसाब से हमें नए पॉलिसीज को अडॉप्ट करके, यूज़ करके हमें नया सिस्टम यूज़ करना है. गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग दिस पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंट taking place in the economic scenario, political expediencies and the changing requirement. तो गवर्नमेंट क्यों चेंज करते रहते हैं ये पॉलिसीज़ को? बिकॉज डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और टाइम के साथ आपको नए नए चीज़ों को ईजाद करना, नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. अगर समझिए COVID-19 का इफेक्ट नहीं होता इंडिया में, तो क्या वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट अप्लीकेबल होता सब जगह पे? नहीं,
क्या मास्क हम कंटिन्यूसली पहने रहते, हमें पता ही नहीं था कि मास्क हमें भी पहनना जरूरी है, राइट। अभी ऐसा लगता है बिना मास्क के यार हम बाहर निकले इसका मतलब बहुत बड़ा क्राइम है, हम खुद सेफ नहीं फील करते, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एवरी बिजनेस फॉर्म हैज़ टू फंक्शन स्ट्रिक्टली विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज देयर। अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड यानी रिप्लाई देना, चाहे वो बाय रिटर्न हो या फिर आपके एक्टिविटीज में। इकोनॉमिक सिस्टम, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज प्राइमरली गवर्न बाय थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक जो है वो तीन लोगों के वजह से गवर्न है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी। ये तीन तरीके के इकोनॉमी है। आपने अपने प्रीवियस क्लास में इकोनॉमिक्स में ये तीन नामों का या फिर ये तीन कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द मिक्सड इकोनॉमी, जहाँ पे कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है, इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो वो मिक्सड इकोनॉमी में माना जाता है, विच इम्प्लाइज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी। तो ये था आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लेंदी इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट बताया, बिकॉज मैं भी समझता हूँ कि आपका जो पढ़ाई है घर से है और कहीं ना कहीं वो एक एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलता, हम अकेले भी कितना देर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई डू अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंटल इश्यूज, आपका जो सराउंडिंग है वो पढ़ाई का सराउंडिंग होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सराउंडिंग हमें नहीं मिल रहा है ड्यू टू पैंडमिक, लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, एक तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या आपको थोड़ा प्रोफेशनली चलना है तो आप मुझे मेल कीजिए आपके क्वेरीज कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझा, आप मुझे बता सकते हो क्या, तो मैं वहाँ पे आपको लिखूँगा, ठीक है, ईमेल में रिप्लाई दूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए, नोट्स तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि जो भी वीडियो के स्क्रीन में है वही आपके नोट्स है, तो क्यों आप डबल काम कर रहे हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पूरा वीडियो पहले देख लेना है, पढ़ लेना है, सुन लेना है, समझना है कि सर या मैडम ने क्या पढ़ाया है। उसके बाद वो वीडियो अगर विजिबल है तो वो वीडियो में जो भी दिख रहा है ना, आपको प्ले पॉज करते करते लिखना है, ठीक है। अलग से PDF दूंगा तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन से वीडियो का कौन सा नोट्स है, क्या है, कैसे करके। तो मेरे लिए स्पेशली मेरे जितने भी वीडियोस आपको आएंगे, आपको बस एक ही काम करना है, पहले पूरा वीडियो सुनना है, देखना है सर ने क्या स्लाइड्स में रखा है, कौन से पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्टार्टिंग से फिर से वीडियो को स्टार्ट करना है, प्ले करना है, स्क्रीन में जो भी दिख रहा है आपको वो अपने बुक में उतारना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, कॉपी करके अपने नोटबुक में रखना है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम आपके बुक्स चेक करने वाले, स्पेशली मैं मेरे सब्जेक्ट के सारे बुक्स में चेक करूँगा, ठीक है। तो जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे वीडियो के तौर पे दे रहा हूँ, तो वीडियो देख के प्ले प्लॉज करते करते आपको ये नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। किसी को भी नोट्स के लिए अगर कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ठीक से रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।